वेलकम टू दी अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हमारे गांव में आज एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं जागरा। और जागरा बेसिकली डेडिकेटेड होता है हमारे बाबा बालकनाथ जी को। पिछली बार भी मैंने आपको अपने गांव में हुआ एक फंक्शन बताया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग किया था, बट वो जो है हमारे यहाँ पे बर्थडे था जो मनाया गया था। इस बार जागरा है और इस कार्यक्रम को हम पूरा को पूरा बताएंगे कि किस तरीके से मनाया जाता है। क्या हो राधे राधे, कैसन वे ठीठे चलाइया। अभी ये आएंगे थोड़ी देर के अंदर तैयार तो रोते हुए आराम से। गाइस अभी हम जा रहे हैं लेडीज गैंग के पास। जो दूसरा कार्यक्रम चला वो तो मैंने बताया। लेडीज मम्मी सलवार है करे रुकिए जिंक्स पानी देने वाली है। अच्छा पूजिए बा जल्दी पूजिए क्यों बिल्कुल आज अंदर आया। दोस्तों ये वो वाला एरिया है जहाँ पे खाना बनेगा, लोकल एरिया में इसको बोलते हैं बोट। और यहाँ पे पकेगा खाना ये नीचे, और इसको बोलते हैं त्रैन। अब हम थोड़ा सा आए हुए हैं, अभी शाम के टाइम बनना शुरू होगा खाना वाना, क्योंकि रात का फंक्शन है। ठीक है, तो ये बढ़िया ऑलरेडी बना के रखी हुई है। मेरा नाम हंसराज है और मैं गांव पलोहन से हूँ। गांव गांव पलोहन पलोहन से। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार, वो गांव पलोहन का रहने वाला हूँ। अच्छा, दोनों भाई पलोहन से हैं और इसको बोलते हैं शनाई उस्ताद बिस्मिल्ला खान। चलो मम्मी बोला आटा तैयार है। रोटी बननी आटा तैयार है। गुड, बहुत बढ़िया, ये जबरदस्त है। चला लियांद्रो इतने सीता ही आना। तो गाइस अब ये आटे को अंदर रख दिया है, पूरा ढका जा रहा है, इसको हवा ना लगे। इसको सुला दिया, एक घंटे के बाद खाएंगे इसको। ऐसे आटा जो है खराब हो जाता है, फिर रोटियां अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए अंदर अब रख दिया है। हमने इस लड़के से आपको नहीं मिलवाया होगा। क्या नाम है तेरा? साहिल। साहिल छा हमारे यहाँ पे जो है सब्जी की कटिंग चली हुई है, और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी लेडी गैंग प्लस जेंट्स सारे मिलके काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मौसम अभी ख़राब होने जा रहा है, सुबह ख़राब था मौसम बट फिर साफ़ हो गया था, फिर अभी दोबारा अगेन मौसम चेंज हो रहा, तो अभी हमारा पीछे तरपाल भी लगता हुआ। पास हमारे जो कुक हैं वो आ चुके हैं, ये हमारे बड़का जी, ये भी खतरनाक कुक है योगराज धरवा जी। आ जाओ जी, बड़का जी अंकल जी। आपका नाम क्या है? घनश्याम। कहाँ से आप? बनौन से। बताइए अपने बारे में। वो जो इधर धोती दादी लगाएंगे बाद में। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा गाइस ये हमारा अभी पोटी बन रही है नॉन वेज में, और ये लोदड़ू बना हुआ है जो खून का होता है पूरा, कुकर में डाला हुआ मीट। जागरा है तो ये सब तो बनेगा ही। हम ऊपर चलते हैं लेडीज गैंग के पास अभी।
हमारी लेडीज गैंग का यहाँ पे रोटी बनेगी, तो अभी बैठी हुई है पूरी की पूरी, चाय बनी है लेडीज गैंग आया लोगरदार पूरा का पूरा। हेलो, अरे आए नहीं तो सर आटा क्यों? आटा बांटना जाता। अभी आटा बनेगा और यहाँ पे रोटियाँ बनेंगी। तू सारी लाई बनाना रोटियां बन इधर बन रहे भटूरू परे से आ रही है वो बन के, और ये हमारी पहली डिश है भटूरू। भाभी जी देखिए आओ हारो तो बस शर्मा हो आकर है। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। ये बड़ी भाई भाभी जी इनको काम दिया है चाय बनाने का। कितना टाइम लग जाएगा बनने में? कम से कम दो ढाई घंटे। ठीक है, इसमें अब मटर पनीर बनेगा। मटर पनीर तो आपने परे बोला। मटर पनीर तो परे बोला, रखा हमने घी गर्म करने के लिए। अच्छा फिर इसमें बनेगा। ठीक है ठीक है। दोस्तों हमारी अभी जो है धामपुरी क्लियर हो चुकी है और बिल्कुल रेडी है। मौसम थोड़ा सा खराब हुआ बैठा है लेकिन ये भी अभी ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे पंडित जी बोटी खाना खाते हुए, बाकी आपको बताएंगे जब शाम के टाइम हम परोसेंगे खाना, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे और ऐसे ऐसे ही चलता है। सुबह शरद